हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम दो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक है होयसल डायनेस्टी और एक है कदम डायनेस्टी। तो देखिए, जो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज हैं, इनके बारे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए। फाउंडर, कैपिटल, कोई ग्रेटेस्ट रूलर, कुछ इन्वेंशन उस टाइम पे हुई है, बस इतना ही है। कोई लिटरेचर है, क्योंकि देखिए, अगर आपके स्टेट की हिस्ट्री है, आप स्टेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप नेशनल परस्पेक्टिव से देखें तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में से नहीं आते हैं। बट क्योंकि हमें पूरी पूरी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, हम किसी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम होयसल एम्पायर एंड कदम एम्पायर को भी आज कवर करेंगे। चलिए, तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। पहले हम पढ़ेंगे होयसल एम्पायर के बारे में। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट आता है दैट दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्यास ऑफ कल्याणी। जो कल्याणी चालुक्यास थे, उनके सामंत, उनके अंडर वर्क करते थे होयसल्स। ठीक है, फाउंडर कौन थे? साला। कैपिटल क्या थी? द्वार समुद्रा, जिसे ये हेल भी दू भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट रूलर यानी सबसे महान रूलर होयसल एम्पायर के कौन माने जाते हैं? विष्णुवर्धन, जिन्हें बित्ती देवा भी कहते हैं। बैटल ऑफ तलाकरू एक बैटल थी जो फेमस बैटल है, तो किस किस के बीच में हुई थी? विष्णुवर्धन यानी जो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं होयसल एम्पायर के, प्लस चोलास के बीच में। तो यहाँ पे चोलास हार गए, विष्णुवर्धन जीत गए जो कि होयसल एम्पायर के थे। फिर उन्होंने टाइटल लिया तालाकाडु गोंडा। अब देखिए, तलाकडू गोंडा जो भी है, आप लोगों को ज्यादा बेटर प्रोनाउंसिएशन पता होगी जो साउथ इंडिया से होंगे। तो देखिए, ये टाइटल उन्होंने लिया आफ्टर बैटल ऑफ तलाकडू। नेक्स्ट आता है होयसल्स कंबाइंड विसारा एंड द्रविड स्टाइल। इन स्टाइल्स को मिलाकर उन्होंने द्रविड स्टाइल जो है अपना अलग से डिवॉल्व किया। ठीक है, न्यू द्रविड स्टाइल। अब होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, ये जो टॉपिक्स है ना, जैसे साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, आप होयसल की बात करें, आप कदम डायनेस्टी की बात करें, तो ये आपको किसी एक बुक में ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगी। जैसे आपके पास कोई बुक है जिसमें साउथ इंडिया के बारे में दिया हुआ है, पूरी की पूरी सारी डायनेस्टीज की हिस्ट्री है, तो वो आपको एक बुक में ऑर्गेनाइज कहीं भी नहीं मिलेगी। जैसे मेरे पास तमिलनाडु हिस्ट्री बुक है, तो उसमें भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, उसमें इतना कन्फ्यूजिंग है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप एटलीस्ट उस बुक से ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी ना पढ़े। ठीक है, बाकी यस, जो स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं, स्टेट के जो बुक्स होती हैं, वो बात अलग है। ठीक है, तो चलिए, ये हमने होयसल्स के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा मैप वर्क की तरफ आते हैं। ये था होयसल्स का एम्पायर। ठीक है, नाउ अब ये दो टेम्पल्स के लिए फेमस रहे हैं होयसल्स। कौन कौन से हैं वो टेम्पल्स? चना केशवा टेम्पल जो कि बेलुरु में है, एंड होयसलेश्वरा टेम्पल जो कि हेलबिदु या फिर द्वार समुद्रा में है। ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ हमारा होयसल एम्पायर हो गया कंप्लीट। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं कदम डायनेस्टी की ओर। बट आगे चलने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको क्या करना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है एंड आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी डाउट्स हैं आपके, वहां पे पूछ सकते हैं एंड वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। फाइन, अब हम बात करेंगे कदम डायनेस्टी के बारे में। तो सबसे पहली बात, फाउंडर कौन थे? मयूर शर्मा, लर्न ब्राह्मण, ऐसे माना जाता है कि एक पंडित थे, ब्राह्मण थे। ठीक है, रूल्ड फ्रॉम, अब ये कहां से रूल करते थे? ऑब्वियसली जहां से रूल करते थे वही इनकी कैपिटल होगी, तो बनावसी से ही रूल करते थे। टाइम पीरियड की बात करें तो 345 से 365 एडी तक का इनका टाइम पीरियड था। अब बिलीफ क्या माना जाता है कि एक्चुअल में जो ये मयूर शर्मा थे ना, ये कांची आए थे एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, बट इंसल्टेड बाय सम पल्लव ऑफिशियल, जो पल्लव रूलर्स थे, उनके जो ऑफिशियल थे, दरबारी थे, उन्होंने क्या किया, इनको कुछ इंसल्ट कर दिया होगा, कुछ हो गया होगा पंगा, एंड देन इन्होंने डिसाइड किया कि मैं एवेंज यानी बदला लूंगा एंड बाय एस्टेब्लिशिंग द एम्पायर। फिर इन्होंने बदला कैसे लिया, अपना एम्पायर वहां पर एस्टेब्लिश कर दिया, खुद शासक बन गए। ठीक है, नाउ ये एक बिलीफ है, अब सच है कि झूठ है यू नेवर नो, बट ये एक बिलीफ है। ठीक है, नाउ जो मयूर शर्मा है, ये हमें समझ आ गया कैसे आए, कहाँ आए। अब सेकेंड पॉइंट है, बनावसी कहाँ पे है? प्रेजेंट डे कर्नाटका में सिचुएटेड है, राइट। चलिए, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है मोस्ट फेमस रूलर, सबसे ज्यादा फेमस रूलर इस डायनेस्टी के कौन थे? तो वो थे ककुस्था वर्मा, राइट। अब आगे चलने से पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। देखिए, मैं अपने चैनल पे डेली करंट अफेयर्स अपलोड करती हूँ, तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखने में इंटरेस्टेड हैं मेरे चैनल को, आप अभी के अभी चेकआउट करें। मैं 20 से 22 पॉइंट्स डेली अपलोड करती हूँ, हैंड रिटन नोट्स एंड डिफरेंट सोर्सेज, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट एप्लीकेशन से जो भी मुझे अच्छे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो मैं इंक्लूड करती हूँ। तो आप एक बार जरूर चेकआउट करें, आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, डेली अपलोड करती हूँ तो काफी ज्यादा हेल्प आपकी हो जाएगी उस केस में। फाइन, आगे चलते हैं लीडर टू ब्रांच।
ब्रांचेस यानी कदम डायनेस्टी, ये जो फेमस रूलर थे ककुस्था वर्मा, इनके बाद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई थी। एक हो गई बनावासी ब्रांच, एक हो गई त्रिपरवाथा ब्रांच। और ये है कदम, जहाँ से रूल करते थे, जो उनका एरिया आता था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आई नो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ये। आपने फाउंडर वगैरह हो गए, जैसे राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो इंपॉर्टेंट है, चालुक्य डायनेस्टी है वो इंपॉर्टेंट है, पल्लव डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, बाकी यादव वगैरह, इनसे होयसल हो गया, कदम, इनसे इतने क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट यू नेवर नो एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है ना। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी आपके लिंक में है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर 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 शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, होयसल एंड कदम डायनेस्टी हो गई कंप्लीट, बट साउथ इंडिया के रूलर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट साउथ इंडियन रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।